कोटा विश्वविद्यालय का नवा दीक्षांत समारोह आज यूआई के सभागार में आयोजित किया गया, जिसमें 77,000 विद्यार्थियों को उपाधि वितरित की गई, वहीं 87 गोल्ड मेडल भी दिए गए। इसमें एक विद्यार्थी वसीम रजा को कुलाधिपति पदक मिला है। इसी तरह से नमिता मालव को कुलपति पदक से नवाजा गया है। कार्यक्रम में बतौर अध्यक्ष राज्यपाल कलराज मिश्र पहुंचे थे। इसके साथ ही ग्वालियर के कैंसर हॉस्पिटल के निदेशक भी बतौर वक्ता पहुंचे थे। साथ ही साथ वाइस चांसलर नीलिमा सिंह भी कार्यक्रम में मौजूद थी। राज्यपाल कलराज मिश्र ने आज कोटा प्रवास के दौरान पे कोटा विश्वविद्यालय के कैंपस में करवाए गए विकास कार्यों का निरीक्षण किया। वहीं शहर के बीच झालावाड़ रोड पर बनाए गए सिटी पार्क का भ्रमण करने भी राज्यपाल पहुंचे, जहां उन्होंने करीब 2 घंटे से ज्यादा समय पार्क की विजिट की और पार्क में करवाए गए बेहतरीन कार्यों की सराहना की। राज्यपाल कलराज मिश्र ने कहा कि देश में चुनिंदा ही जगह ऐसी होंगी जहां इस तरह के पार्क विकसित किए गए हैं। ये पार्क राजस्थान के लिए मॉडल बनेगा। जी, सिटी पार्क के निर्माण में यूआईटी नोडल संस्था होने के नाते, कार्यदायी संस्था होने के नाते उन्होंने लगातार काम किया है, और जो भी यहाँ का स्वरूप निर्माण हुआ है, यहाँ जो सकारात्मक दिख रही है, रचनात्मक स्वरूप दिखाई पड़ रहा है, उसका निर्माण करने वाले श्रीमान अनूप भरतिया जी, जो बहुत बड़े आर्किटेक्ट हैं, उन्होंने अपने कल्पना के आधार पर इस प्रकार का स्वरूप चित्रित किया है। ऐसे आर्किटेक्ट को, उनकी प्रतिभा को जितनी भी प्रशंसा की जाए वो कम है। कोटा के आदर्शिला दरगाह के पास चंबल नदी में आज एक बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। चंबल नदी के तट पर शव दिखाई देने पर वहां मौजूद लोगों ने दादाबाड़ी पुलिस को सूचना दी। इसके बाद शव को बाहर निकाला गया। बच्चे की उम्र करीब 4 से 5 वर्ष बताई गई है। मृतक बच्चे की पहचान फिलहाल नहीं हो पाई है। दादाबाड़ी थाना पुलिस मृतक बच्चे के बारे में जानकारी जुटा रही है और शिनाख्ती के प्रयास किए जा रहे हैं। कोटा की रानपुर थाना पुलिस ने कोटा झालावाड़ हाईवे से 4 तस्करों को धर दबोचा है, जिनके कब्जे से 22 किलो 700 ग्राम गांजा बरामद किया गया है। पुलिस के मुताबिक पकड़े गए तस्करों में से पंकज और राकेश उड़ीसा कालाहांडी के रहने वाले हैं, जबकि 2 तस्कर ऋषिकेश और ओम प्रकाश कोटा के विज्ञान नगर व जवाहर नगर क्षेत्र के रहने वाले हैं। कालाहांडी उड़ीसा निवासी दोनों तस्कर कोटा के इन दोनों बदमाशों के जरिए कोटा में गांजा सप्लाई करने की फिराक में थे। कोटा की खबरों से अपडेट रहने के लिए YouTube पर सब्सक्राइब करें कोटाखबर.com पर, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें।